के लुधियाना के मशहूर ढाबे में प्लेट में चूहा निकलने के मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि संबंधित ढाबे का चालान काट दिया गया है। एक टीम ढाबे पर गई है, सैंपल लेकर आई है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक चूहा मिला था खाने में, जिसकी सूचना विभाग को दी गई। उसके बाद एक टीम यहाँ जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस ढाबे का चालान जो है वो काट दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ संचालक जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। और इसके बाद एक सैंपल लिया गया खाने का, जिसके बाद जाँच पड़ताल के लिए लैब भेज दिया गया ये सैंपल, और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, साफ तौर पर कहना है मौके पर पहुंची टीम के एक अधिकारी का। तो आपको बता दें कि लुधियाना के मशहूर ढाबे में प्लेट में ये चूहा मिला है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जांच पड़ताल जो टीम की तरफ से लगातार जारी है। जी सानू मीडिया राही ही पता लग गया इस बारे, और इस बारे आज साड़ी फूड सेफ्टी टीम ने जाके इंस्पेक्शन की ढाबे की, पूरे ढाबे को चैक किया गया, उन्होंने एक चलान दिता गया, और उस तो अलावा असी लीगल सैंपल भी लेते हैं। अच्छा, जिस तरह हम जो मामला जो दर्ज हो चुका है, पुलिस वालों की कार्रवाई की जा रही है, तो वालों होर किस तरह की जी कार्रवाई की गई है, जी उन्होंने किस तरह की अवेयरनेस जी है होरों लोगों को भी जागरूक करने वास्ते कहूँ जी। ये लीगल सैंपल जिहड़े साडे फूड सेफ्टी लैब खरड़ विखे जाएंगे, उन्हां दी रिपोर्ट आने बाद जे कोई बनती कार्रवाई होएगी वह की जाएगी। इस तो अलावा इन्हों भी तो बाकी जनता को भी अवेयरनेस राही मैं यह दसना चाहवागी कि लाइसेंस बनवाना बहुत जरूरी है। लाइसेंस अते रजिस्ट्रेशन जे घट आमदन वाला बंदा होवे, 12 लाख तो घट इनकम होवे साल की, तो रजिस्ट्रेशन बनवानी होंगी है। जे उस तो ज़्यादा होवे तो स्टेट लाइसेंस बनना होंगे।